बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेज इमरान, रेमेडीज एंड रिव्यू में। आज मैं बहुत ही अच्छी क्रीम और एक फेस वॉश का रिव्यू लाई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी रेमेडीज एंड रिव्यू पर मुश्तमिल नेक्स्ट वीडियोस बर वक्त मिल सकें। जी जनाब, जैसा कि आप जानते हैं, ये मैं पॉन्ड्स की क्रीम लाई। ये देखिए, ये एज मिरेकल क्रीम है और इसके साथ फेस वॉश है। जिन लोगों के वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन है। और इसको अगर फेस वॉश के साथ यूज़ किया जाए तो इसके रिजल्ट्स बेस्ट हैं। जी, झुर्रियों का सबसे पहली बात कि रिंकल्स क्यों बनते हैं, फाइन लाइन्स क्यों बनती हैं वक्त से पहले। अब तो 30 एज के बाद ये चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। इसकी रीज़न्स कई हैं। एक तो नींद का पूरा ना होना, दूसरा स्मोकिंग वगैरह करना, इसके अलावा थर्ड नंबर पे है कि आप जो है बार बार फेस को अगर वॉश करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। नंबर फोर पर कि आपके जो है पानी की कमी, यानी कि आप पानी कम पीते हैं। नंबर फाइव पर है कि आप जो है उल्टा लेटते हैं, उल्टा लेटने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, या स्ट्रेस लेने से भी ऐसा हो जाता है। जी जनाब, तो फेस वॉश इसका साथ हम ऐड करेंगे। फेस वॉश जो है वो पॉन्ड्स का, वो भी एज मिरेकल है। इन दोनों का मैं आज रिव्यू देखती हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं क्रीम की। ये क्रीम जो है बहुत ही अच्छे टेक्सचर में है, एज मिरेकल क्रीम है। इसका जार प्यारा सा है और वाइट जो है कलर में है। डे क्रीम है ये, SPF 18 PA के साथ है और ये एज मिरेकल है। ये देखिए, और साथ क्या है कि रिंकल करेक्टर है, ठीक है, रिंकल्स को भी ये ठीक करेगी। और बाकी ये देखिए, पॉन्ड्स का एज जो है ये भी मिरेकल जो है फेस वॉश है। आप क्रीम को देखें, इसका टेक्सचर जो है बहुत ही सॉफ्ट सा है। ये पिंक्स कलर की है और इसके इंग्रेडिएंट्स जो है इसके इस जार के जो थी पैकिंग उसके ऊपर मेंशन था, जो कि अब तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ और काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो उसके ऊपर जो मेंशन था उसके हवाले से बात करूँगी। इसमें जी इंग्रेडिएंट्स में कोई हार्मफुल नहीं है। ये स्किन को स्मूथ, शाइनी, ग्लोइंग और मॉइस्चराइज करेगी। ये दिन में दो टाइम आप लगाएं। ये डे टाइम क्रीम है जो कि पिंकी से कलर की है और ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ क्या है, ना ही ये ऑयली है। ये बहुत ही अच्छी है, जैसा कि आजकल स्ट्रेस का दौर है, तो बहुत ही अच्छा है कि 25 के बाद, एज के बाद ऐसी क्रीम को यूज़ करें ताकि रिंकल्स ना पड़े। और साथ साथ अगर एज मिरेकल पॉन्ड्स का ये साथ लगाया जाए, इसका क्या नाम है, फेस वॉश, तो आप सुबह शाम लगाएं, ये भी बहुत ही अच्छा है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और क्या है कि पॉन्ड्स आपको पता है कि काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसमें वो तमाम चीज़ें पाई जाती हैं जो स्किन को सन के मुज़र असरात से पाक रखेगी। ये डे क्रीम है, इसीलिए इसमें सन के हवाले से चीज़ें हैं कि सन से आपके उसकी रेस भी महफूज रखेगी। ये देखिए, ये वाइट सा इसके आ जाता है। और इसी तरह इसका जार भी बहुत प्यारा सा है, ये ट्यूब की शक्ल में है। इसका ये देखें, ग्लास में है कि ग्लास की उसमें है, तो बहुत अच्छी पैकिंग है। ये आपको 600 to 700 में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे प्राइजेज एग्जैक्ट याद नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें ली जाती हैं, तो इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं याद, और काफ़ी टाइम पहले लिया है। और इसी तरह इसी आपको 1050 रुपीज़ में, आई थिंक सो, मैंने ये ली थी। ये भी आपको पाकिस्तानी रुपीज़ 1050 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसकी पैकिंग भी अच्छी है, पिंकी है। और इसके अलावा जो है हमारा फेस वॉश, वो भी उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात कि रिज़ल्ट होने चाहिए, कि रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। ये क्रीमी सा है, झाग भी इसकी अच्छी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट सा, और आपको अच्छा स्मूथ जो है स्किन को टाइट और स्मूथ रखेगा।
रिंकल्स से जो है ये ज़रूर है कि जो रिंकल्स एक बार पड़ जाएं, इन चीज़ों को जो मैंने बताया कि रिंकल्स किस वजह से पड़ते हैं वक्त से पहले, यानी कि आपकी एज से पहले, तो अगर उन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए तो रिंकल्स से आप बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बार पड़ गए तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ रिमूव नहीं किया जा सकता, थोड़ा बहुत गायब किया जा सकता है। तो इसीलिए ये पॉन्ड्स की जो क्रीम है ये बेहतरीन कंपनी की है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि नाम से ही आपको पता है कि एज मिरेकल है, कि ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, ख़ास तौर पर ड्राई स्किन की, और जो 30 से अबव एज के लोग हैं वो तो स्पेशली लगाएं इसे ताकि उनके वक्त से पहले झुर्रियाँ ना पड़े, आइज़ के नीचे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ये फिर आपके चीक्स के नीचे, तो पानी की कमी भी इसमें अहम किरदार अदा करती है क्योंकि जितनी ड्राई स्किन होगी उसमें ये चीज़ें उनमें ज़्यादा आ जाती हैं कि वो जल्दी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। कौन सी अच्छी कंपनी है आप कीजिएगा यूज़ और फिर मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तक जो है इसमें मैं रेमेडीज़ भी आपको शेयर करूँगी इसके हवाले से, एंटी एजिंग के हवाले से घर के मतलब जो है बना सकते हैं आप ऐसी रेमेडीज़, उनको मैं शेयर करना चाहूँगी। इसके अलावा मेरी पास कुछ और क्रीम्स भी हैं इंशाल्लाह एंटी एजिंग के हवाले से, रिंकल्स के हवाले से, उनसे भी बात जी। तो बात हो रही थी मेरी पॉन्ड्स के हवाले से बात, पॉन्ड्स जो है एज मिरेकल क्रीम, ये जो है फेस वॉश ये बहुत ही अच्छा है फेशियल फॉर्म में, और इसमें जो है प्रो सेल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये जो आपकी डेड सेल्स हैं उनको ख़त्म करता है और डीपली क्लीन करेगा आपकी स्किन को, और ड्राई स्किन के लिए और नॉर्मल स्किन के लिए ये बेस्ट है। इसमें ग्लैक्सिन वगैरह इस तरह के सारे इंग्रेडिएंट्स तो मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, आप इसे उससे ये देखें देख सकते हैं। इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में इसमें बताया गया है, ये यूनिलीवर का है और इसका जार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये एंटी एजिंग के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फेस वॉश है, लेकिन मैं साथ कहूँगी कि ऑयली स्किन के जो लोग हैं वो इसे यूज़ ना करें, क्योंकि ये सर्दियों में और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जो ऑयली स्किन होती है, अगर सर्दियों में आ रहा है कि मतलब ऑयल निकल रहा है तो वो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। दिन में आप दो बार लगाएं, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, डीपली आपको क्लीन करेगा आपकी स्किन को। इसके अलावा साथ आप डे की क्रीम लगाएं, डे की क्रीम में भी सन ब्लॉक वाली क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर आप साथ सन ब्लॉक भी यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है। आई होप कि आपको मेरी ये जो रिव्यू है ये पसंद आया होगा, और एक अच्छी जो है प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों, उनका मैंने रिव्यू दिया है। अपनी कीमती आरा से मुझे आगाह कीजिएगा ताकि मैं अपने नेक्स्ट जो है वीडियोस उनको मद्देनज़र रखते हुए आपके ओपिनियंस को बना सकूं। खुश रहें, आबाद रहें, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।